हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस मैथ्स के अंदर स्वागत है। आज हम गेट 2007 की एक रीजनिंग थ्योरी की कुछ प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। और जैसा कि कल एक कॉम्प्लेक्स की क्वेश्चन सॉल्व किए थे दो, इसी प्रकार से आज हम रिंग थ्योरी के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम आज ट्राई करेंगे। ठीक है, मे बी इस एग्जाम के अंदर आ सके। क्वेश्चन है 2007 के अंदर गेट के अंदर पूछा गया था, रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द कंसिडर Z5 एंड Z20 आर रिंग मॉड्यूलो 5 एंड 20। ठीक है, इसका मॉड्यूलो 5 एंड इसका 20 रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ होमोमोरफिज्म, ठीक है, किस तरह से डिफाइंड है, Z5 से Z20 तक डिफाइंड है, और हमें नंबर ऑफ होमोमोरफिज्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि कितना होगा 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है, तो जब भी आपको एक रिंग होमोमोरफिज्म फाइंड आउट करना हो, रिंग होमोमोरफिज्म फाइंड आउट करना हो, कहाँ से कहाँ तक, मान लो जेड एम से लेकर जेड एन तक, इस तरह से आपको डिफाइन कर रखा है, जेड एम से जेड एन तक। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको रिंग होमोमोरफिज्म पूछे, तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, कि फॉर्मूला है 2 की पावर pn माइनस pn अपॉन gcd ऑफ m, n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर pn है माइनस pn अपॉन gcd ऑफ mn ग्रेट। ठीक है, इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन लेना आपको m और n में से, इसमें से और इसमें से। ठीक है, और न्यूमरेटर में कौन है, n। अब जो ये p है, p यहाँ पर क्या है कि जो प्राइम डिविजर है, pn यहाँ पर क्या है, प्राइम डिविजर किसका, n का, कि जो भी यहाँ पे pn है उसके प्राइम डिविजर कौन कौन से हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और फिर माइनस करना है, इसको सॉल्व करना है, इस पर भी जो भी आएगा उसका भी क्या लेना है आपको, प्राइम डिविजन लेना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जेड 5 से जेड 20 तक है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो ये वैल्यू सारी आप पुटअप कीजिए। ठीक है, तो रिंग होमोमोरफिज्म कितने आ जाएंगे, देखिए 2 की पावर pn, पी एन की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, माइनस पी ऐसा कैसा 20 अपॉन, अब 5 और 20 के अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कितना है, इसका 5 इसका 20। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डिविजर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो पीछे बचेगा पी 20 माइनस पी 4। अब 20 के प्राइम डिविजर चेक करने, देखिए 20 से पहले जो भी प्राइम नंबर है वो पहले चेक कर लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19। ठीक है, अब इसमें से आपको वो सेलेक्ट करने हैं जो 20 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 20 को डिवाइड कर रहा है, एक तो 2 डिवाइड करेगा, एक 5 डिवाइड करेगा, और बाकी कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके प्राइम डिविजर कितने हो गए, 2 हो गए, किसके, p20 के। तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 माइनस, अब 4 के देखो, 4 के छोटे जो भी प्राइम नंबर है वो पहले चेक कर लीजिए, 2 और 3। अब इस 4 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर है, ओनली 4, एक ही है, कौन सा है, ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही नंबर है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर 1। तो कितने आ जाएंगे इसके रिंग होमोमोरफिज्म फ्रॉम Z5 टू Z20, कितने आ जाएंगे, टोटल 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है, नेट के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, अगर सिलेबस में होगा तो। ठीक है, तो Z5 Z20 का आप Zm से Zn तक का आपको कोई भी अगर रिंग होमोमोरफिज्म पूछे, तो किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 2 की पावर pn माइनस p एंड ब्रैकेट n अपॉन gcd ऑफ mn, gcd मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ फ्रॉम m टू n, इन दोनों के बीच में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कौन कौन से है, यहाँ 5 है या 20 है, तो ग्रेटेस्ट कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, n, n की वैल्यू अपने पास कितनी है, 20। ठीक है, तो इस तरह से p20 यानी कि जो भी प्राइम नंबर है वो डिवाइड करना चाहिए किसको, 20 को। तो सबसे पहले हमने 20 के जो भी पॉसिबल प्राइम नंबर थे वो फाइंड आउट कर लिए, 20 से छोटे, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो इसमें से वो सेलेक्ट करने हैं जो 20 को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, तो 2 और 5 ही डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल 2 नंबर हो गए, तो p20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर अब हम p4 को चेक कर रहे थे, तो 4 से छोटे जो भी प्राइम नंबर है वो कितने हैं, 2 और 3,
अब फोर को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, एक ही है टू, तो कितने पॉसिबल नंबर हो गए, पी फोर की वैल्यू होगी वन, तो ये वन होगी, तो टू माइनस वन वन, तो आपका आंसर कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।